आवाज आ रही सभी को प्रॉपर? अरुंधति जया यस नंदी सर, आवाज आ रही सर? यस सर, ओके okay. यस सर। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है फिल्म स्क्रीन, और उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है किसी भी पीवीए इमल्शन के द्वारा फिल्म को या अपने स्क्रीन को एक्सपोज करना, यानी कि एक पीवीए इमल्शन से हम अपनी स्क्रीन को कैसे एक्सपोज करेंगे, यानी कि जो हमारा मैटर है, जिस मैटर को मुझे एक्सपोज करना है, तो उसे हम एक्सपोज कैसे करें। ठीक है, तो इसके पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, 5 स्टार फिल्म प्रोसेस, जिसके माध्यम से हम सभी ने एक प्रैक्टिकली रूम में देखा कि किस तरीके से हम अपने मैटर को तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद में उसे एक्सपोज करने के बाद में 5 स्टार फिल्म की सहायता से हम उसको प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की कोई भी फिल्म नहीं लेंगे, बल्कि हम अपनी फिल्म स्वयं मैन्युअली तरीके से यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। जैसे वहां पे मैंने 5 स्टार बनी बनाई ही होती है, जो बनी बनाई फिल्म थी उसका इस्तेमाल किया था अपने प्रिंटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम अपनी प्रिंटिंग के लिए स्वयं की एक फिल्म तैयार करेंगे, और वो फिल्म हम कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसका प्रोसेस क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिल्म को तैयार करने के लिए जिस भी प्रकार के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, या मटेरियल्स पहले, जो भी इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो एक काम कीजिएगा, तो एक हेडिंग डाल लीजिए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, और उसके नीचे आप लिख लीजिएगा मटेरियल ऑब्लिक इक्विपमेंट फॉर स्क्रीन प्रिंटिंग। और जिस भी प्रकार की इक्विपमेंट या मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या क्या होते हैं, तो उनको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख लिया सभी ने? ओके, यस सर। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा एक जो इक्विपमेंट है, तो वो है फ्रेम, स्क्रीन फ्रेम विथ क्लॉथ, स्क्रीन फ्रेम विथ क्लॉथ। अब क्लॉथ के बगल में आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 120, 140, 180, etc. 60, 60, 80, 100, 80, 60, 60, 80, 100, 80, 60, 60, 60, 80, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 80, 60, 60, 60, 120, 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
इसके बाद में सेकेंड नंबर पे आप लिखिएगा यहां पर पीबीए इमल्सन, पी वी ए इमल्सन। पीवीए इमल्सन। इसके बाद लिखिएगा ब्राइकोमेट, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, ब्राइकोमेट।
पहले लिखिएगा PVA इमल्शन, और थर्ड नंबर पे लिखिएगा ब्राइकोमेट। सर इसकी स्पेलिंग बोल दीजिए। ब्राइको BRICO और मेट। इसके बाद लिखिएगा टेक्नोवा सीट, टेक्नोवा सीट। आप लिख टेक्नोवा सीट पर, टेक्नोवा सीट पर डिजिटल मेथड से प्रिंट किया हुआ मैटर। इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखाया था टेक्नोवा सीट या टेक्नोवा सीट पर डिजिटल मेथड से प्रिंट किया हुआ मैटर। कहने का ये मतलब है कि टेक्नोवा सीट पर या आप मैन्युअली तरीके से डिजाइन बनाएं या जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, सॉरी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप को भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कोई आप इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो फोटोशॉप के ही माध्यम से होगा। तो आप इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके उसको डिजिटल तरीके से प्रिंट को निकालना, यानी कि किसी भी लैब में जाकर उस टेक्नोवा सीट पर प्रिंट को कॉपी करना, तो वो आपको मिल जाएगा जीरोक्स के रूम में वो, या फिर मैन्युअली तरीके से जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में अभी किया है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा वाटर प्रूफ इंक, वाटर प्रूफ इंक। और इसके बाद लिखिएगा मिरर, और इसके बाद जो अदर्स मटेरियल्स करके लिख लीजिएगा, ये आपका मेन मटेरियल्स है जो आपका यूज होता है। और इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा इंक, इंक केवल इंक लिख लीजिए, प्रिंटिंग इंक। प्रिंटिंग इंक जैसे आपका PVC सुपर हो गया, ग्लॉसी हो गया, आपका मैट हो गया है ना, या प्लॉटर इंक हो गया, तो आप ऐसे कुछ इंक के नाम यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए प्रिंटिंग इंक। ठीक है, और इसके बाद में लिखिएगा इसी में जी क्लिप फ्रेम। ये आपको नहीं लेना है, इसको सिर्फ आपको लिखना है, तो इस पे आप कोई रिमार्क लगा दीजिएगा, ये आपको मार्केट से नहीं लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जी क्लिप फ्रेम। ये कैसा फ्रेम होता है हम आपको बताएंगे। इसके बाद में आप सभी लोग परिचित हैं स्क्यूजी,
जो स्क्रैपर हमारा होता है उसको हम स्क्यूजी भी कहते हैं। तो एक स्क्यूजी की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में यदि आप पीवीसी सुपर इंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको नाइट्रो की जरूरत पड़ेगी। इंक को पतला करने के लिए नाइट्रो की जरूरत पड़ेगी। तो लिख लीजिएगा नाइट्रो। और जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि जब प्रिंटिंग हो जाता है तो प्रिंटिंग के बाद में स्क्रीन को साफ करने के लिए आपका डिकोडर या फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर या कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या आपका जो कास्टिक सोडा होता है उसका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अदर मटेरियल्स में आप लिख लीजिएगा। जैसे अदर्स मटेरियल्स में यहाँ पर जैसे कि न्यूज़पेपर्स, क्लॉथ, पुराने क्लॉथ यानी कि कपड़े, जैसे स्पून मतलब कि चम्मच, तो ये आपके हो गए कुछ यहाँ पर पेपर्स, स्पून यानी कि चम्मच, है ना, कुछ पुराने कपड़े, तभी इंक को साफ करना है, ठीक है, तभी फ्रेम को साफ करना है, तो तभी कोई लेटर जैसे इंक के समय फंसने लगता है तो उसको हल्का सा नाइट्रो से करके कपड़े की सहायता से उसको साफ कर दिया जाता है, या ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक टूथपेस्ट वाला जो ब्रश आता है या कोई जो ब्रश आप ड्राइंग में यूज करते हैं थोड़ा मोटे नंबर का, थोड़ा सा ज्यादा नंबर का जो ब्रश होता है, थोड़ा सा जैसे 6 नंबर 5 नंबर, तो ये थोड़ा सा बड़े ब्रश होते हैं, तो इनसे भी आप इनको साफ कर सकते हैं। तो आप वहां पे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ब्रश उस चीज को साफ तो कर देता है लेकिन वो चीज तुरंत सूख नहीं पाती है, तो कपड़े से जब उसको हम पोंछ देते हैं तो वो चीज वहां पर जल्दी मतलब कि सूख जाता है। तो उसके लिए वहां पे कपड़े की पड़ती है, साथ साथ कहीं इंक इधर उधर लग लग जाती है मे भी, तो उसको भी वहां से रिमूव करने के लिए अप्लाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल्स था जो इस स्क्रीन पे यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकली रूम में इसको हम आपको समझाते हैं कि ये तकनीक हम किस तरीके से यूज करेंगे और अपने प्रिंट को हम बिना 5 स्टार के कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, बिना फिल्म की सहायता। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो, मैं हालांकि लिखाऊंगा इसे, फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता भी दूंगा, तो उसको आप वहां पे लिख लेंगे, इससे वो चीज आपको वहां पर याद रहे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक फ्रेम लेते हैं, और वो जो हमारा फ्रेम होगा वो लकड़ी या एल्युमिनियम जिस भी माध्यम से बना होगा और जो भी हमारे पास सुटेबल रूप से वहां पे उपलब्ध होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। अब फ्रेम मैंने ले लिया, और फ्रेम में यदि कपड़ा नहीं है तो हम जो कपड़ा लेंगे, देखिए हम अपनी प्रिंटिंग के हिसाब से लेंगे। मार्केट्स में देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे बहुत सारी स्क्रीन बनाई जाती है, जैसे बोल्ड काम के लिए या बोल्ड प्लस थोड़ा सा कम बोल्ड यानी कि थोड़ा बारीक वर्क के लिए, या बिल्कुल बारीक वर्क के लिए, या बड़े बड़े बैनर या पोस्टर भी आजकल स्क्रीन दे सकते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके से डाई और उनकी स्क्रीन बनाई जाती है। तो वो मैटर किस तरीके का है तो उस मैटर के हिसाब से बहुत सारी वहां पे स्क्रीन तैयार कर ली जाती है। तो मान लीजिए हम कोई एक बोल्ड मैटर ले लेते, बोल्ड मैटर का मतलब है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोटे अक्षर, बोल्ड अक्षर, जैसे
में भी यदि हम बात करें तो 14 पॉइंट से ऊपर, 14 पॉइंट से ऊपर, 13, 14, 15, 16, 18, 20 और ऊपर जितना आप चले जाएं, तो ये नॉर्मल बोल्ड हो जाते हैं, मतलब बिना बोल्ड किए के बोल्ड। और उनमें जब बोल्ड और कर देते हैं तो और वो डार्क हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तो इस तरीके से उनसे भी बड़े बोल्ड लेटर। तो यदि कोई मीडियम बोल्ड लेटर लेते हैं 14 से 25 और 30 के बीच में यहाँ पर, तो हम वहां पर थोड़ा सा जो नंबर होगा कपड़े का कम इस्तेमाल करेंगे। कम नंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कम नंबर का हमारा रेशियो होगा, तो उसका जो आप जानते हैं कि कपड़ा ताना और बाना, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल को मिला के कसता है। जैसे आप हाथ है, ये देखिए हाथ ऐसे रखते हैं तो इस तरीके से बनता है। अभी देखिए क्या गैपिंग देखिए यहाँ पर ज्यादा है, तो ये गैपिंग ज्यादा है, यानी कि 50 नंबर 60 नंबर इस तरीके का कपड़ा है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं उंगलियों को देखिए कम कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से और कम कर दिया, तो ये चीज और कम हो गई थी, यानी कि 100 में से 100 नंबर का बन गया। और जब इसी चीज को हम और बिल्कुल बारीक से कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे सटा देते हैं आपस में, तो सटाने पर देखेंगे आप बिल्कुल एक रो हमारी बन रही है। तो इस तरीके का जब होता है तो 120 140, यानी कि जो उसकी सघनता होती है वो बढ़ने लगती है। और जब कम नंबर का हम कपड़ा लेते हैं तो उसकी जो सघनता है तो वो वहां पर कम होती है। तो इसलिए कि जो बोल्ड लेटर होता है तो वो आसानी से उसमें हमारा प्रिंट हो जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई लेटर हमारा जैसे 6 पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट 12 पॉइंट तक का है तो बहुत छोटा लेटर में आता है, बिल्कुल बारीक लेटर्स में उसकी गिनती की जाती है। तो उसको लेटर को यदि हम बोल्ड में निकालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए गैपिंग इस तरीके से, मान लीजिए गैपिंग मान लीजिए इस तरीके से हो गई, तो मान लीजिए इतने ज्यादा ये आपके पॉइंट सर्किल जो बन रहे हैं तो उसमें वो लेटर आएगा तो क्या होगा, पूरा पूरा लेटर छप तो जाएगा लेकिन वो ए है कि बी है कि सी है ये मुझे पता नहीं चलेगा। और जब लेटर हमारा छोटा होगा तो हमको उतनी ही डेंसिटी चाहिए होगी वहां पर, उतनी ही सघनता चाहिए होगी उस लेटर को प्रिंट करने के लिए। तो जब वो पास पास खाने होंगे तो वो जब पास पास खाने से गुजर के आएगा लेटर तो वो समझ में आएगा कि ये ई बना है कि ये बी हमारा बना हुआ है। कभी आप लोग भी देखते थे कि जो छोटा लेटर होता था वो समझ में नहीं आता था कि ये कौन सा लेटर बना है, और बड़ा लेटर जल्दी एक्सपोज हो जाता था और छोटा लेटर हमारा एक्सपोज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमें मान लीजिए बोल्ड काम करना है तो कम नंबर कपड़ा लेंगे, और मुझे बारीक काम करना है तो हम ज्यादा नंबर का प्रयोग करेंगे। तो अभी एक हमने काल्पनिक रूप से एक फ्रेम मान लीजिए तैयार कर लिया, और उस फ्रेम में मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार कि जो वर्क मुझे करना है यहाँ पे उसके अनुसार उस कपड़े को मैंने तैयार कर लिया। मैंने पिछली क्लास में आपको इसका प्रोसेस बताया था, लकड़ी के फ्रेम को कैसे तैयार करेंगे, कैसे कसेंगे, अपने लिए कैसे मैनुअली रूप से उसको तैयार करेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो आपको वहां पर मालूम होगा, या अदरवाइज कोई उसमें कंफ्यूजन हो तो बाद में आप अभी क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिएगा। तो जब एक फ्रेम हमारा तैयार हो जाता है तो उस फ्रेम में हम क्या करते हैं कि उस फ्रेम में स्क्रीन को तैयार करने के लिए, या यूं कह लें कि उसमें मैन्युअली तरीके से स्क्रीन को वहां पर तैयार करने के लिए हमें कुछ इमल्शंस की जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक ब्राइकोमेट और पीवीए। पीवीए और ब्राइकोमेट ये अलग अलग इमल्शन है, दोनों हमारे सोलूशन है, और दोनों को अलग अलग तरीके से मिलाया जाता है और मिला के रख भी सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तौर पर आप इस तरीके काम कर रहे हैं तो आप बना के रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो 15 दिन 20 दिन तक बना रहता है, खराब नहीं होता है। अदरवाइज आप एक दिन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसे अलग ही अलग इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और लेटर भी ज्यादा अच्छे स्पॉन्मेटिक साथ में वहां पर ओपन होंगे। तो यहाँ पर जब हम कोई भी सोल्यूशन को तैयार करते हैं तो सबसे पहले पीबीए लेते हैं। पीबीए एक लिक्विड फॉर्म में आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा पीबीए को, और ये 200 ml, आधा लीटर
आपका 1 लीटर के आपको पैक ये आपको मिलता है। आपका ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पिंक, ये विभिन्न कलर्स में आपका उपलब्ध रहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले उसको हम एक कोई प्लास्टिक का बोतल या कोई छोटे छोटे जो बाउल्स आते हैं प्लास्टिक के, उसमें उसको हम डाल लेंगे अपनी स्क्रीन की आवश्यकता के अनुसार। मान लीजिए हमें कोई छोटा मैटर प्रिंट करना है, ठीक है, या कोई मान लीजिए बड़ा मैटर प्रिंट करना है, तो अपने जितने में हमें मैटर प्रिंट करना है उसके अनुसार कितने में हमारा ये हो जाए, बचे ना, क्योंकि वो तैयार हो जाता है सोल्यूशन, इसके बाद वो बेकार हो जाता है। तो उतना जितना मुझे वहां पर जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से हम उसको यहाँ पर निकालते हैं। और निकालने के बाद में हम उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी भर, जैसे सब्जी में नमक डाला जाता है उसमें तो कुछ ज्यादा ही खाया डाला जाता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल दाने भर के हिसाब के बराबर, जस्ट लाइक एक दाल का टुकड़ा छोटा सा ऐसा लेके उसमें डाल देते हैं। क्योंकि जो ब्राइटोमेट होता है, जे आपको जैसे टुर्रे वाला नमक होता है ना, पिसा हुआ टुर्रे वाला नमक, को कहीं कम पिसा है कहीं ज्यादा पिसा, ऐसा भुर्रादार दानेदार होता है आपका ये, तो ये थोड़ा सा ये उसमें डाल दिया जाता है। और डालने के बाद में ब्राइकोमेट में अच्छी तरीके से उसको पेस्ट किया जाता है, यानी कि उसको 5 मिनट तक हम थोड़ा सा अच्छे से पेस्ट करते हैं, जिससे वो पेस्ट वहां पर थोड़ा सा हीट होता है और वो थोड़ा सा उसमें मिक्सिंग एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और मिक्सिंग करने के बाद में उसको स्क्रीन के ऊपर साइड से ऐसे हम रो बाई रो उसको वहां पर ऐसे उसको डाल देते हैं। और डालने के बाद में नीचे हम पेपर भी लगा लेते हैं कि मान लो कोई मलसन गिर भी जाता है तो हमारा पेपर में मेरा फर्श गंदा ना हो, इसका भी इसके लिए ध्यान देते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल है, ठीक है, क्योंकि केमिकल ही है, फिल्म को एक्सपोज करता है तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह भी है। तो उसे हम यहाँ पर ऐसे डालेंगे, और डालने के बाद में कोई स्केल प्लास्टिक का हो या कोई लोहे का स्केल हो, अदरवाइज स्क्यूजी, आपके पास स्क्यूजी भी विभिन्न साइजों में होती है, छोटी बड़ी जितना भी आप बड़ा वहां पे आप लेना चाहते हैं स्क्यूजी, तो अपनी प्रिंटिंग के हिसाब से थोड़ा सा स्क्यूजी बड़ा लेकर उसे हम स्क्रैप कर देते हैं, यानी कि इसीलिए उसको बोलते हैं स्क्रैपर। तो उसकी सहायता से दाब देकर हम उसको ऐसे स्क्रैप कर देते हैं, और फिर जो उसका बैक पोर्शन होता है स्क्रीन का, उधर से भी हम उसको ऐसे स्क्रैप कर देते हैं। यानी कोई चीज ये है, मान लीजिए हमारा स्क्रीन है, तो ऊपर से ऐसे स्क्रैपर चलाएंगे और फिर इधर पीछे की तरफ, यानी कि जो बैक पोर्शन है फ्रेम का, तो उसमें भी कपड़े ऐसे कर देंगे 1 से 2 बार बस, यानी कि वन टाइम ऐसे लगाया, दूसरे टाइम पीछे सही कर दिया, बहुत ज्यादा कुछ लगा तो एक बार और बस, इससे ज्यादा नहीं। यदि आप इससे ज्यादा करेंगे तो वो क्या होता है, इमल्सन आपका क्या हो जाएगा, जैसे खाएंगे तो वो इमल्सन भी आपको क्या करेगा, वहां पर पेश ना हो के आपके स्क्रीन में वो आपके स्क्यूजी के साथ आना लगेगा, और वो फिर ऐसा रबड़ जैसा हो जाएगा, तो वो वहां आएगा तो वहां चपकेगा नहीं, फिर हट जाएगा, फिर लगाएंगे तो वो आपका इमल्सन फिर खराब होने लगेगा। तो इमल्सन को बेटर है कि वन टाइम ही इस्तेमाल करें, यदि आप एक बार में नहीं लगा पाए हैं तो उसको आप एक बार और रिपीट कर सकते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अदरवाइज ज्यादा आप उसको बार बार ऐसे करते हैं तो वो चीज फिर आपकी खराब हो जाएगी, तो ये प्रैक्टिस से आपको आएगा कि उसे हम प्रॉपर तरीके से वहां पर पेस्ट करें। और ये जितना भी काम होगा आपका लाइट की रोशनी में नहीं होगा, यानी कि जो आपकी लाइट की रोशनी है उस पे आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट जब आपके इमल्सन पे पड़ेगी तो वो इमल्सन आपका एक्सपोज हो जाएगा, तो फिर वो आपका डेड हो जाएगा। यानी कि इतनी लाइट जो आपके इमल्सन को खराब ना करे, इतनी शैडो वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसके लिए एक डार्क रूम का प्रयोग करते हैं। डार्क रूम मतलब ये है कि वैसे बोलते हैं अंधेरा कमरा, अंधेरे कमरे का मतलब ये होता है कि जहां पे लाइट की सेंसिटिविटी लो हो, यानी लाइट ना के बराबर आ रही हो,
तो ऐसे स्थान पर उसे हम रखते हैं और उसी में लगा देते हैं, और लगाने के बाद में उस स्क्रीन को कुछ यूं इस तरीके से हम उसे रख देते हैं। इस तरीके से क्यों रख देते हैं, या इस तरीके से रख देते हैं जिससे इमल्शन हमारा बैके प्रॉपर तरीके से नीचे ना आए, और उसको हम सूखने देते हैं। और कोशिश करें कि इमल्शन ज्यादा मोटा ना लगाएं, पतला लगाएं तो एक्सपोजिंग भी अच्छी होगी। मोटे में क्या होगा, एक्सपोजिंग तो हो जाएगी लेकिन जब उसे आप पानी से धुलेंगे तो मोटे होने की वजह से हो सकता है उसकी जो पानी की धार है वो लेटर को ना काट पाए। तो जो भी इमल्शन लगाएंगे उसकी जो कोडिंग करेंगे वो आप बहुत ही पतली, ठीक है। इसके बाद में आप उसे अंधेरे में सूखने देंगे। कोशिश करें कि विदाउट कोई फैन या ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिना फैन के उसको सूखने दें। तो लगभग उसको सूखने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का जो समय है लग जाता है, यानी कि 1 घंटे का आप समय मान लीजिए कि उसको सूखने में 1 घंटे का समय लगभग में भी लग, और यदि इमरजेंसी है बहुत ज्यादा है तो आप उसको फैन के साथ सुखा सकते हैं, तो वो फैन की हवा के थ्रू आपका सूखेगा। तो उसमें लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि ये डायरेक्ट नहीं रखना है आपको फैन के नीचे, ऐसा कुछ सपोर्टिंग में रखे कि डायरेक्ट हवा उस पर ना लगे। डायरेक्ट हवा लगती है क्या है, तो वो जल्दी जल्दी सूखता है, तो इमल्शन को जल्दी सुखाने में फिर एक्सपोजिंग अच्छी नहीं। तो उसके लिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि मैन्युअली तरीके से उसको अपने आप सूखने देना चाहिए। तो जो जब अपने आप सूखेगा तो एक्सपोजिंग भी अच्छी होगी और जो उसकी स्क्रीन है तो उसकी पकड़ भी अच्छी होगी। नहीं तो कपड़े से वो स्क्रीन जो आप बना रहे हैं तो वो स्क्रीन फिर उतना अच्छा काम नहीं करेगी, हो सकता है कुछ पिंड निकालें फिर इसके बाद में खराब होने लगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप उसे बिना फैन की हवा से सुखाएं, ठीक है। तो उधर मैंने फ्रेम रख दिया सूखने के लिए, अब दूसरी तरफ हमें क्या तैयारी करनी है। उधर मैंने फ्रेम को रख दिया तो इमल्शन हमारा लग गया और सूख रहा है। और अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा है कि जिस डिजाइन को हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं वो डिजाइन डिजिटल है या मैनुअल। देखिए डिजिटल है तो डिजिटल में क्या वो 100% है, नहीं है तो उसे आप पेंसिल के द्वारा या जो ब्लैक रोटरी पेन आते हैं उसके द्वारा उन्हें आप डार्क कर सकते हैं। और ये और सन के लाइट में या कोई लाइट सीएफएल लाइट को जगाकर आप उसे देख सकते हैं कि लेटर्स के बीच में जो आपने ब्लैक किया है उसमें आर पार तो नहीं दिख रहा है, यानी कि जो हमारे लेटर्स हैं यहाँ पे वो आर पार तो नहीं दिख रहे हैं, वो आर पार नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो एक्सपोजिंग के समय लाइट उनके अंदर से गुजर जाएगी तो वो लेटर प्रॉपर तरीके से वहां पर एक्सपोज नहीं होगा। ये ध्यान देना है डिजिटली में भी, मैनुअली में भी ये ध्यान देना है। चूंकि मैनुअल आपने कोई डिजाइन बनाया है, कोई लेटर्स या कोई लोगो आपने तैयार किया है टाइपोग्राफी, तो आपको देखना है कि जो हमारी स्पेसिंग है करेक्टर्स की यानी कि वर्ड्स की लेटर्स की वो आपस में बराबर होनी चाहिए। लेटर इस कैपिटल स्मॉल है कि सारे इस कैपिटल है या स्मॉल है, इनका कॉम्बिनेशन भी प्रॉपर देखना है, और जो इनकी विड्थ और लेंथ है उससे लेटर्स की उनको भी सही से आपको डिजाइन करना है, चाहे वो कर्सिव लेटर राइटिंग हो चाहे रोमन हो चाहे गोथिक हो। तो आपको यहाँ पर मैटर बिल्कुल परफेक्ट रखना है, और इसको मैं आप डार्क पेंसिल द्वारा या डार्क रोटरी पेन द्वारा या फिर आप वाटर प्रूफ इंक के द्वारा, वाटर प्रूफ ब्लैक इंक
आती है और उसके द्वारा भी आप उसे ब्लैक कर सकते हैं। और ब्लैक करने के बाद आपको यही देखना है इसमें भी कि वो लेटर्स जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, जो भी डिजाइन है, वो प्रॉपर तरीके से जहां जहां आप उसको एक्सपोज करना चाहते हैं वो हिस्सा आपका सही से ब्लैक हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं छूट गया हो तो लाइट वो आर पार हो जाएगी, फिर वहां पे वो लेटर आपका एक्सपोज नहीं हो। ठीक है, इसके बाद में मुझे क्या करना होगा, जब इतना हम कर लेंगे, डिजाइन को चेक कर लेंगे, ये कर लेंगे, अब किस पेपर में आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे जो हमारे पेपर्स हैं हम कोई भी ले सकते हैं, और जिस भी पेपर पे आपको प्रिंट करना हो और जिस भी साइज में आपको प्रिंट करना हो तो उसे आप इस प्रिंटिंग में आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर भी हमारा तैयार हो गया। जब तक अब इसके बाद यह देख लेते हैं कि हम प्रिंटिंग कहाँ करेंगे, तो जी क्लिप फ्रेम, तो जी क्लिप फ्रेम आपने देखा है प्रीवियस क्लासेस में, जिससे हम स्क्रीन में फंसा कर अपने एक्सपोज किए हुए मैटर को प्रिंट करते हैं, उसे हम जी क्लिप फ्रेम बोलते हैं। जैसे हमारे खिड़कियों में कब्जे होते हैं, दरवाजों में कब्जे होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे वो भी कब्जेदार होता है जो एक राड में फंसा होता है और मेज पर उसे हम कस देते हैं। और कसने के बाद में उस फ्रेम को हम जी क्लिप फ्रेम में कस देते हैं। कसने के बाद में वो फ्रेम आपका प्रॉपर तरीके से ओपन होगा, सेट डाउन होगा, ओपन होगा और सेट डाउन होगा। ठीक है, तो जब वो ओपन और सेट डाउन होगा तो उसमें जो भी हम कागज नीचे लगाएंगे, जब ऊपर से हम दाब देंगे, प्रेस करेंगे उसे, तो वो वहां पर डेफिनेटली वहां पर छप के आएगा। ठीक है, तो जे क्लिप फ्रेम भी हमारा रेडी हो गया, हमारा पेपर भी रेडी हो गया जब तक, और प्रिंट होने वाला मैटर। अब हम स्क्रीन को देखेंगे, स्क्रीन प्रॉपर तरीके से सूखी होनी चाहिए, नहीं तो इमल्सन आपके हाथ में लगेगा, वो इमल्सन जो आप लगाएंगे वो आपको लगेगा, तो इसलिए बिल्कुल कड़क सूखना चाहिए स्क्रीन को। और जब स्क्रीन सूख जाएगी तो वो बहुत टाइट हो जाएगी, और जब उसको आप बजाएंगे ऐसे ऐसे तो आवाज आएगी, जो है जैसे साउंड आएगा इस तरीके से आपको, तो वो ठोस साउंड होगा, जैसे ढोलक का साउंड होता है ऐसे ठोस साउंड आएगा आपका, यानी कि आपकी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से तैयार है फिल्म मैटर को एक्सपोज करने के लिए। तो ठीक है, हम डार्क रूम में रहेंगे और डार्क रूम में ही प्रिंट होने वाले मटेरियल्स को हम ले जाएंगे और मिरर को भी ले जाएंगे, और साथ ही साथ हम कुछ तख्ती या कुछ पेपर्स लेके साथ जाएंगे। तो उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब प्रोसेस समझिएगा। यहाँ पे जैसे हम पहले टकनोवा रखते थे, तो टकनोवा इसमें भी पहले रखेंगे, यहाँ पे अंतर है। जैसे टकनोवा पहले हम अपने कांच के फ्रेम में रखते थे, तो यहाँ पर हम टकनोवा कांच पर नहीं रखेंगे। ठीक है, वहां हम टेक्नोवा को सीधे रखते थे, यानी कि सीधे का मतलब होता है अपनी साइड से सीधा देखना, तो टेक्नोवा को हम ऐसे सीधा रखते थे तो मैटर हमको सीधा दिखता था, और उसके बाद 5 स्टार फिल्म को रखते थे। ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल अपोजिट करेंगे ना, हम यहाँ पर टेक्नोवा को कांच पर रखेंगे ना ही हम उसे स्क्रीन पर रखेंगे और ना ही हम उस मैटर को यहाँ पर सीधा रखेंगे, यानी कि यहाँ पर टेक्नोवा सीट को हम जो हमने स्क्रीन बनाई है उसके ऊपर कोडिंग करके उसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके। कैसा रखेंगे, स्क्रीन के ऊपर रखेंगे और उस मैटर को रखेंगे उल्टा करके, यानी कि हम अभी आपको यदि कोई मैटर दिखाते हैं तो वो चीज हमको यहाँ से उल्टा दिखता है, तो वो आपको भी उल्टा दिखता होगा वहां। ठीक है, लेकिन जब बैक कैमरा से दिखाते हैं तो वो आपको वहां पर सीधा दिखता होगा। ठीक है,
वो मैटर हमको आगे से उल्टा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हम कांच को रखेंगे उस टेक्नोवा के ऊपर, और वहां क्या करते थे, कांच के ऊपर टेक्नोवा को, टेक्नोवा के ऊपर हम रखते थे फिल्म को। यहां हम क्या कर रहे हैं, जो फिल्म तैयार की है उसके ऊपर टेक्नोवा रख रहे हैं, लेकिन रिवर्स रूप और उसके ऊपर हम कांच को रख रहे हैं, ठीक है। कांच को रखने के बाद में ऊपर से हम कोई पेपर रख लेंगे, और बैक पोर्शन से जो भी स्क्रीन का अंडर एरिया, यानी कि जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर का जो एरिया, उसके हिसाब से कोई फोम, उतना बड़ा कोई फोम या फिर कोई प्लाई, तो प्लाई के पहले कुछ में कुछ रखेंगे, थोड़ा सा मुलायम सॉफ्ट कोई पेपर या कुछ ऐसा, जैसे एडवेस्टर सीट होती है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और उसके बाद उसके नीचे दफ्ती, और पैरों से या दोनों पैरों में ऐसे रख देंगे जैसे आप रखते थे, और जो एंगल था ऐसे इस तरीके से दिखाने का सन में, तो उसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले डार्क रूम में हमने ये सब तैयार कर लिया, और ठग के हम बाहर ले आए, और जब बाहर ले आते हैं तो हम धूप को टच करते हैं कि जो हमारा सनलाइट है तो उसका लाइट का रेशियो क्या है, पता चल ही जाता है जब धूप गाल पे लगता है या हाथ पे लगता है। तो जैसे हम एक 5 स्टार फिल्म को मिनिमम 2 से 3 मिनट एक्सपोज करते थे अच्छी धूप, जैसे अभी धूप है, गर्मी दिनों में धूप बहुत तेज होती है, तो उसको हम 3 3 मिनट तक लगते। यहाँ पे हम क्या है, धूप को टच करेंगे तो यह धूप तेज है तो हम 20 से 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड केवल रखेंगे, कितना, 20 से 30 सेकंड। अदरवाइज थोड़ा सा और लो धूप है तो 1 मिनट, और बहुत सर्दियों सर्दी जैसे दिन है बहुत ज्यादा धूप नहीं है तो 1.5 से 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट। अदरवाइज जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, इन मौसम में हम 30 से 30 ही सेकंड, 30 से 30 सेकंड के बीच में हम एक्सपोज करेंगे, ठीक है। एक्सपोज करने के बाद में हम उसको डार्क रूम में फिर से ले आएंगे, या वहां पे जहां पे लाइट की मात्रा हमारी कम, ठीक है। इसके बाद जो भी हमने ढकने के लिए यूज किया था इक्विपमेंट, उनको हटाएंगे, और हटाने के बाद में उसे हम यहाँ पर धोएंगे। अब बाथिंग प्रोसेस आ गया है यहाँ पे, तो अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि 5 स्टार फिल्म को हम पहले नॉर्मल गुनगुने पानी से, पहले हम उसको केमिकल में धोते थे, यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं होता है। केमिकल के बाद उसे हम गरम गरम पानी में हम उसको धोते थे, तो गरम पानी में उसको यहाँ पे नहीं धोना। इसके बाद उसे हम ठंडे पानी से धोते, यानी कि नॉर्मल पानी से। तो यहाँ पे गर्म पानी या जो हाइड्रोजन आपका जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो सोल्यूशन आपका था उसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम नल द्वारा या जो टंकी का जो नॉर्मल पानी आता है उस पानी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और उसको हम एक प्रेशर देंगे, तो प्रेशर के लिए कोई नली या कोई नोजल लगा देंगे, अब उसमें उससे धारदार, मतलब कोई धार बने पानी की, तो उस धार को हम उस एक्सपोज किए हुए मैटर पे, यानी कि जो मैटर आपने एक्सपोज किया टेक्नोवा के माध्यम से, तो वो आपके फिल्म में आ गया है, जो फिल्म आपने यहाँ पर तैयार की है, तो
उस फिल्म में वो प्रोसेस आ गया है। अब उसको उस मैटर को एक्सपोज के बाद निकालने के लिए हमें इसमें नॉर्मल तेज धार वाले पानी की, तो नॉर्मल पानी तो सब जगह है, लेकिन उसके लिए क्या जो धार है मुझे उसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसको धार देनी पड़ेगी। जैसे हम लोग नली को दबाते हैं तो धार बनाते हैं, तो आगे कोई नोजल लगा देंगे बदला तो वो धार बन जाएगा, तो उसके सहायता से हम उसमें उसको डालेंगे। तो जब उस धार को हम लेटर्स पर जो भी आपका डिजाइन होगा या जो भी हमारा मैटर होगा, तो उस मैटर वहां से वो कटने लगेगा, जो आपने एक्सपोज किया है या जो अनएक्सपोज एरिया है जो नहीं छपने वाला है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे हटने लगेगा, जो छपने वाला एरिया है वो वहां से हटने लगेगा। इस तरीके से धीरे धीरे वो चीज वहां पर सारे लेटर्स आपके ओपन होने लगेंगे। ओपन होने के बाद में आप उस सारे लेटर्स को देखिए, कहीं कोई कमी हो तो उसको हल्का सा हाथ के द्वारा या पेसर के द्वारा आप उसे या नाइट्रो के द्वारा आप उसे वहां पर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि पेसर भी इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहेंगे सर आपने तो कहा था कि पेसर देना हमने को पेसर दे। पेसर का मतलब यहाँ ये है कि आपको उचित प्रेशर देना है जिससे कि हमारा मटेरियल यानी कि जो हमारा मैटर एक्सपोज हुआ है वो खराब ना हो। ज्यादा तेज धार दे देंगे तो वो मैटर आपका कट के चला जाएगा, तो वो मैटर जो है हमारा वहां पर कट के चला जाएगा। तो मैटर कटे ना इसका भी हमें ख्याल रखना है। और फिर उस जब पूरी तरीके से आपका मैटर यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है, तो एक्सपोज होने के बाद में उसको नॉर्मल मतलब पानी तो नॉर्मल ही है, फिर धार धार नहीं, नॉर्मल जग से या टोटी से ही पानी डालकर आप उसको बहुत सारा अच्छे से हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, जिससे कहीं कोई गंदगी या कहीं कुछ लग गया हो तो वो चीज वहां से प्रॉपर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में बेसिकली उसे यहाँ पर फिर धूप में कायदे से या पेपर में थोड़ा सा हल्का सा ड्राई कर लिया तो थोड़ा सा पानी उसका साफ हो गया, उसके बाद में उसे हम यहाँ पर धूप में रख देते हैं। कैसी भी धूप हो, हवा चल रही हो तो भी ठीक है, छांव है तो भी ठीक है, हवा चल रही है छांव में रख दिया सूख जाएगा, अदरवाइज धूप में आप नॉर्मल धूप में भी रख देंगे तो 10 से 15 मिनट में आपका वो स्क्रीन वहां पर सूख जाएगा। सूखने के बाद में टेप द्वारा, पेपर टेप द्वारा या सेलो टेप ब्राउन टेप द्वारा, जो भी चौड़े हमारे यहाँ पर टेप आते हैं, उस टेप द्वारा फ्रंट और बैक, बैक तो आपको बैक तो सभी को मालूम है कि बैक पोर्शन में 5 स्टार फिल्म के चारों तरफ हम एक माउंटिंग करते थे टेप की, इसमें हमें दूसरी तरफ भी करनी है। दूसरी तरफ क्यों करनी है, इसलिए करनी है कि वहां पे फिल्म होती थी तो फिल्म वो एरिया पूरा कवर कर लेती थी, यहाँ पे फिल्म मैंने मैन्युअली बनाई है। मान लीजिए वो फिल्म कहीं बीच में दौड़ते समय क्रैक हो गई हो, कहीं कुछ हो गई हो, तो हम दोनों तरफ से जब हम उसमें माउंटिंग कर देते हैं टेप की, तो उससे क्या लाभ मुझे मिलता है कि यदि कोई क्रैक हल्का सा कहीं छिद्र छोटा सा भी छोटे छोटे छिद्र बाइन माइन बारीक बारीक से हो जाते हैं तो वो चीज कागज में आपके प्रिंट नहीं होंगे, तो उसका इम्प्रेशन आपके उस टेप में रुक जाएगा, तो जो उसका इम्प्रेशन है वो आपके टेप में रुक जाएगा, वो आपके कागज पे नहीं आएगा। इस वजह से हम उसको बोथ साइड यानी कि दोनों एरिया में हम उसको वहां पर कवर करते हैं। और कवर करने के बाद में जी क्लिप फिल्म जो कि एक मेज पे या आप जहां भी उसको आप फिक्स करना चाहें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद में प्रिंट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। प्रिंट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो जी क्लिप फ्रेम में जब हम अपने फ्रेम को लगाते हैं तो उसका जो मैटर्स है यहाँ पर वो देखते हैं कितनी स्क्रीन है, उसकी शेडो देखते हैं, और फिर कुछ स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं पतली पतली, उनको कागज पर ऐसे लगा देते हैं, यानी कि उस कागज पर ना जैसे प्रिंट करना है उसके नीचे जो मेज है उस पर भी एक कागज लगाते हैं
क्योंकि मैच गंदी ना हो पाए, तो उसमें हम फिर उस पे कागज लगा देते ईयल के आकार, और उसके बाद में फिर पिन, छोटी छोटी पिन, पिन का मतलब बोथ साइड टेप मान लीजिए, तो उस पे हमने कागज पूरा कपड़े उचारा, फिर लगाया, फिर लगाया, तो उस पर थोड़ा सा हमने गम कम कर दिया, तो गम करने के बाद में वो चीज कागज पे चपकेगी नहीं, उससे क्या होता है कागज नीचे चपक जाता है तो स्क्रीन पे नहीं लगता है, मैटर अच्छा छपता है, नहीं तो आप देखते थे कि कोई कागज प्रिंट करते थे लिफाफा वगैरह तो वो स्क्रीन में ही चपका चला जाता था, तो उससे क्या होता था उसमें वाइब्रेशन सा आ जाता था, तो वाइब्रेशन ना आए तो उसके लिए पिन रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पिन का मतलब ये नहीं कि आप थम पिन लगा देंगे या कुछ लगा देंगे, पिन का मतलब ये है कि छोटे छोटे से आप बोथ साइड टेप जो होता है उसको वहां पर आप छोटे छोटे टुकड़े काट देंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको वहां पर माउंट कर देंगे, और माउंट करने के बाद में आप कागज को नीचे रखेंगे, फिर उस मैटर की शेडो देखेंगे, और शेडो कैसे आएगी आप मोबाइल या टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी शेडो हमारे कागज पे आएगी, फिर हम देखेंगे कि क्या वो मैटर प्रॉपरली हमारा उस जहां हम प्रिंट करना चाहते हैं वहां पे आ रहा है, आ रहा है तो आप एक पहले कुछ दो चार रफ पेपर्स में उनका आप प्रयोग कर लेंगे, जिससे कि दो चार पेपर, इसलिए कि जब दो चार पेपर में उसको आप स्क्रैप करेंगे इंक को तो वो चलेगा, तो जब चलेगा तो जो कपड़े में भी कहीं कुछ रह गया होगा तो वो चीज आपकी प्रॉपर वहां पे क्लियर हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट लेटर आपके बिल्कुल फाइन यहाँ पर आएंगे, तो आप फाइनल प्रिंटिंग के लिए फिर तैयार हो जाएंगे, और जब भी आप प्रिंट करें तो प्रिंट करने के बाद जब ऐसे करते हैं तो स्क्रीन को उठाने के बाद में ऐसे फिर इंक मार दिया करें, तो इंक जब लेटर में बनी रहती है तो वो लेटर अच्छे से प्रिंट होता है, इंक सूखती नहीं है, अदरवाइज इंक सूख जाती है, बारीक बोल्ड लेटर तो आ जाते हैं लेकिन जब बारीक लेटर निकालते हैं तो वो हमारे फंसने लगते हैं, तो वो इसी वजह से फंसने लगते हैं कि उसमें जो कलर है वो बैठ जाता है, तो फिर उसको नाइट्रो साफ करो या ब्रश से साफ करो, नाइट्रो की सहायता से मतलब ब्रश की सहायता से नाइट्रो लगाकर या फिर कपड़े से आप उसको साफ करें, तो ऐसा बार बार ना करना पड़े, तो उस इंक को फिर ऐसे स्क्रब करेंगे, फिर प्रिंट निकालेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर प्रिंट निकालेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, तो इस तरीके से प्रिंट निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे, इंक कम हो जाती है तो हम उसमें डालते जाएंगे, तो इस तरीके से हम उसकी यहाँ पर अब प्रिंटिंग को करते हैं, और जिस तरीके के प्रिंट आपको चाहिए इसमें भी एक कलर, दो कलर, तीन कलर, चार कलर, यानी कि मल्टी कलर, जैसा आप कलर में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल मैन्युअली तरीके के या मैन्युअली रूप से बिना 5 स्टार फिल्म की सहायता से हम मैटर को यहाँ पर एक्सपोज कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस में जो हमारी कॉस्ट है या प्रिंटिंग है 5 स्टार प्रिंटिंग की अपेक्षा लागत कम लगती है, तो इसमें भी हम बहुत ही कम बजट में अधिक से अधिक प्रिंट को निकाल सकते हैं और इनकम ले सकते हैं, तो ये प्रोसेस है आपका आपका पीवीए इमल्सन द्वारा किसी भी फिल्म को एक्सपोज करना, किसी भी फिल्म को यहाँ पर एक्सपोज, तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर आपको पीवीए और ब्राइकोमेट के इमल्शन के माध्यम से आपको प्रिंट करना मैंने सिखाया, और जो भी आप नेक्स्ट क्लास से होंगे तो उसमें हमने अभी आपको थ्योरेटिकल इक्विपमेंट और इस तरीके से बताया, फिर आपको वो प्रैक्टिकली रूम में भी बताएंगे जब आप आएंगे कॉलेजेस में, तो प्रॉपर तरीके से आप उसको समझेंगे और प्रैक्टिकली रूम में जब करेंगे तो आपको ये भी प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगेगा, और भी प्रोसेस हैं जो हम अदर्स क्लासेस में आपको समझाते रहेंगे, तो आई होप कि आप सभी को ये प्रोसेस थ्योरेटिकल रूप में समझ में आ गया होगा, मैंने हर तरीके से प्रयास किया आपको बताने के लिए, अदरवाइज यदि कहीं पे आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट। अभी किसी को या कोई चीज डिस्कस करनी हो तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है?
किसी को डिस्कस करना है अभी? सर। ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।